बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से जिंगर चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर लिया है, तो इसके साथ हम दोनों आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने आलू को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक बाउल में पानी लूँगी और इस पानी में मैं ग्रेट किए हुए सारे आलू डाल दूँगी। इन आलुओं को हम पानी में डाल के अच्छे से इस तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी और इसमें मैं 1 कप मैदा लूँगी। तो मैदे को पहले मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें पीसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे अब मैं इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड कर दूंगी। तो इससे आपके चिप्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आपने एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो ये देखिए, इस तरह का आपने लिक्विड तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे 1 कप और मैदा लेंगे और इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने लिक्विड तैयार किया था उसमें पहले आलू को डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो हमने खुश्क मैदा रखा था उसमें रख के इसको ऊपर से इस तरह से हम दबा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने सभी आलुओं को लगा लेना है। तो पहले जो हमने लिक्विड बनाया है उसमें डिप करना है, फिर हमने जो खुश्क मैदे में मसाले मिक्स किए थे तो फिर हमने वो लगाना है। तो यहाँ पर हमने सारे आलू रेडी कर लिए हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इस ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो जो हमने आलू रेडी करके रखे थे तो वो एक एक करके हम इस ऑयल में डालते जाएंगे। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। तो ये देखें, देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आप इसको घर पे तैयार करें और बच्चों को खिलाएं तो ये बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पे बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें आप घर पे बनाया करें। तो यहाँ पर हमारी जिंगर चिप्स अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और निकाल के फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारी जिंगर चिप्स बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।